हेलो सभी आए हुए भक्तों से मेरा निवेदन है कि आप सब लोग कृपया पंक्तिबद्ध होकर के आगे आ जाएं और ये आसन जो यहाँ पर ठाकुर जी के चरणों में लगा हुआ है आकर के अपना स्थान आप सभी लोग ग्रहण करें। और आज हमारे इस प्रेमी परिवार के द्वारा बहुत ही सुंदर ठाकुर जी का ये जो दिव्य सत्संग यहाँ पर आयोजित किया गया है उसमें आप सभी को परम श्रद्धेय परम आदरणीय भागवत पीठाधीश्वर आचार्य देशमुख वशिष्ठ जी महाराज उनका सानिध्य प्राप्त होने जा रहा है। और बहुत ही शुभ दिन होता है जब संतों का आशीर्वाद गुरुओं का आशीर्वाद हम भक्तों पर हो जाता है, तो आज उन्हीं विशेष दिवस में से एक दिवस जब आप सभी को सदगुरु का आशीर्वाद संतों का आशीर्वाद इस ठाकुर जी की दिव्य भजन सत्या के माध्यम से होगा। तो मेरा पुनः आपसे निवेदन है कि जो लोग पीछे खड़े हुए हैं कृपया वो भी आगे आ जाएं और अपना स्थान ग्रहण कर लें ताकि आज का ये जो सत्र है ठाकुर जी के चरणों में नमन वंदन करके हम सभी लोग प्रारंभ कर सकें और कुछ ही क्षणों में गुरुदेव का आगमन हो जाएगा। तो आप सभी लोग उनके दिव्य आशीर्वाद को उनकी वाणी को सुनकर के कृतार्थ होंगे। आइए सभी से निवेदन श्राधे एक बार फिर सभी भक्तजनों से प्रार्थना है कि सभी दरबार में आकर बैठने की कृपा करें। श्री हनुमान चालीसा पाठ शुरू होने के लिए जा रहा है। जितने भक्त खड़े हैं सभी से प्रार्थना है कि सभी अपना अपना स्थान ग्रहण करें। हेलो कृपा करें। श्री हनुमान चालीसा जी का पाठ सभी श्रवण करेंगे और उसके बाद सब ठाकुर जी चाहेंगे आज सभी को सुधा
फल चाल अस कैसे पटी अंट लगाए सनकादिक ब्रह्माद मुनि साहब नारद सारद सहित यम कुबेर दिगताल जहाते कवि कोविद कहीं सके कहते तुम उपकार सुग्री वही कीना राम मिलाए राज पद देना तुम रोमन भीषण माना लंकेश्वर में सब जग जाना जुग सहस्त्र जो जन पर धान ले लोता ही मधुर अनुदान प्रभु मुद्रिका मिली मुक माई जल दिलाग गए अचिरज नाही दुर्गम काज जगति के जेते सुगम अनुग्रह तुम रेते राम द्वारे तुम रखवारे होत न आजा इन पैसारे सब सुख रहे
तुम रक्षक काहू को देना। आपन ते समारो आपे तीनों लोग हाकते कापे, भूत पिशाच निकट नहीं आवे। महावीर जब नाम सुनावे, नासे रोग हरे सब पीड़ा। जपत निरंतर हनुमत वीरा, संकट ते हनुमान छुड़ावे। मन क्रम वचन ज्ञान जोलावे। सब पर राम तपस्वी राजा, तिनके काज सकल तुम साजा। और मनोरथ जो भी फल पावे, चारों युग परताप तुम्हारा है। प्रसिद्ध जगत उजियारा, साधु संत के तुम रखवारे। असुर निकंदन राम दुलारे, अष्ट सिद्धि नवनिधि के दान की माता। राम रसायन तुमने पासा, सदा रहो रघु पति के दाता। तुमरे भजन राम जी को जन्म दे, दुख विसरावे। अंतकाल रघुवर पर जाए, जहाँ जन्म हरि भक्त कहाए। और देवता चित न धरई, हनुमत से सर्व सुख करई। संकट कटे मिटे सब पीरा, जो तुमरे हनुमत बलवीरा। जय 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 हरे कर कोई, छोटे बंदी महा सुख होई। जो यह पढ़े हनुमान चालीसा, होए सिद्ध साखी गौरीसा। तुलसीदास सदा हरि चेरा, कीजे नाथ हृदय महाडेरा। पवन तने संकट हरण, मंगल मूरति रो। राम लखन सीता सहित, हृदय बसो सुरभु। आदरणीय सदगुरुदेव व्यासपीठ पर विराजमान हो चुके हैं, जितने ही भक्त बाहर खड़े हैं उनसे प्रार्थना है कि सभी अपना अपना स्थान ग्रहण करें। आइए चलते हैं गुरु जी के चरणों में। Thank you.
बोली श्री सतगुरुदेव भगवान की जय। हमारी हे श्री गुरुदेव हमें किस बात की चिंता। आइए जो मानते हैं कि अपने गुरुओं के होते हुए हमें किसी बात की कोई चिंता फिक्र नहीं होती, आइए मीठी मीठी ताली बजाकर गुरु जी का स्वागत करेंगे। ऐसी गुरुदेव हमें किस बात की
हमारी हे श्री गुरुदेव हमें इस बात की चिंता हमारे हे श्री गुरुदेव हमें इस बात की चिंता भाई जितने भक्त यहाँ बैठे हैं सभी से प्रार्थना कि सभी श्री सद्गुरुदेव गुरु महाराज का स्वागत करें मीठी मीठी ताली के द्वारा और सभी उनके चरणों में नमन करते हुए सभी कहेंगे गुरुदेव तुम्हारी जय होवे 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 तुम्हारी जय होवे तुम्हारी जय होवे आइए एक बार फिर सभी भक्तजनों से प्रार्थना है कि जितने संगत जितने भक्त बाहर खड़े हैं सभी अंदर आकर अपना अपना स्थान ग्रहण कर लें ताकि श्री सद्गुरुदेव गुरु महाराज जी का आशीर्वाद और ठाकुर जी का लाडली जी का आशीर्वाद आप सभी को मिल सके। सभी भक्तजनों से एक बार फिर प्रार्थना है कि सभी शीघ्र अतिशीघ्र अपना अपना स्थान ग्रहण करें। आइए चलते हैं ठाकुर जी के चरणों में। जहाँ विराजे राधा रानी अलबेली सरकार सांवरिया ले चल परली पार। आइए चलते हैं प्रभु जी के चरणों में और मिलकर सभी कहेंगे चल पर ले पार सांवरिया ले चल पर ले पार सांवरिया ले चल पर ले पार सांवरिया ले चल पर ले पार श्री राधे तुझको अर्पण गुण सब तुझको अर्पण
पाप पुण्य सब तुझको अर्पण, पाप पुण्य सब तुझको अर्पण, बुद्धि सहित मन तुझको अर्पण, मन सहित मन तुझको अर्पण, ये जीवन भी तुझको अर्पण, ये जीवन भी तुझको अर्पण, मैं तेरे चरणों की दासी, 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 तू मेरा प्राण आधार सांवरिया, ले चल परली पार, सांवरिया ले चल परली पार, सांवरिया ले चल परली पार, सांवरिया ले चल परली पार, श्री राधे की कुछ परवाह नहीं है, कल की कुछ परवाह नहीं है, कोई सूझती राह नहीं है, कोई सूझती राह नहीं है, तेरे बिना कोई चाह नहीं है, तेरे बिना कोई चाह नहीं है, और बची कोई राह नहीं है, और बची कोई राह नहीं है, मेरे प्रीतम मेरे माझी, मेरे प्रीतम मेरे माझी, कर दो मेरा पार सांवरिया, ले चल परली पार, सांवरिया ले चल परली पार, सांवरिया ले चल परली पार, सांवरिया ले चल परली पार, जहाँ विराजे राधा रानी, जहाँ विराजे राधा रानी, जहाँ विराज सरकार सांवरिया, ले चल परली पार, सांवरिया ले चल परली पार, सांवरिया ले चल परली पार, सांवरिया ले चल परली पार, राधे 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 रा
श्री राधेश्याम। श्री राधे, आइएगा अब परम श्रद्धेय परम आदरणीय दिव्य मंगल मूर्ति आप सभी के बीच में आज इस क्षेत्र में अपना आशीर्वाद आप सभी भक्तों को प्रदान करने के लिए परिवार के विनम्र निवेदन पर प्रेम भाव पर आपके समक्ष बीच में यहाँ पर पहुंचे हैं सद्गुरुदेव भगवान परम आदरणीय परम श्रद्धेय भागवत पीठाधीश्वर आचार्य देशमुख वशिष्ठ जी महाराज, जिनका परम सानिध्य आप सभी को श्रीमद् भागवत कथा, श्री राम कथा, शिव महापुराण कथा, अनेक कथाओं के माध्यम से, दिव्य भजनों के माध्यम से तो होता ही है, किंतु आज ये दिव्य दरबार राधा रानी का ये पावन क्षेत्र ठाकुर जी को बड़े प्रेम से आज आनंद करने के लिए भजनों के माध्यम से हमने यहाँ पर निमंत्रण करना है और गुरु जी का आशीर्वाद उनकी वाणी में आपको यहाँ पर प्राप्त होगा। तो आप सभी भक्तजन बहुत ही शुभ दिवस में, बहुत ही शुभ समय में यहाँ पर उपस्थित हैं, विराजमान हैं। गुरु जी का आपको आशीर्वाद, संत चरणों का आपको आशीर्वाद यहाँ पर प्राप्त होने जा रहा है। तो गुरु चरणों में नमन वंदन करूँगा कि आप सभी को अपना आशीर्वाद प्रदान करें। श्री राधे। ओम ओम साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। अखंड मंगलाकारं व्याप्तमयेन चराचरं तत्पदं दर्शितं ये। तस्मै श्री गुरवे नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरम चैव नरोत्तम देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयं मुदीरयेत्।
मुनिन्द्र विल्द वंदते त्रिलोक शोक हारिणी प्रसन्न वक्त्र पंकजी निकुंज भू विलासिनी ब्रजेन्द्र भानु नंदिनी ब्रजेन्द्र सुनु संगते कदा करिष्यसि हम कृपा कटाक्ष भाजनम अतुलित बल धाम हेम शैलाभ देह धनुज कृशानम ज्ञानी नाम गृगण्य सकल गुण निधानम बानराणामधीश रघुपति प्रिय भक्तं वात जातं नमः श्री राधे मेरी स्वामिनी मैं राधे तेरो जन्म जन्म मोहे दीजियो श्री वृंदावन को वास मेरी भव बाधा हरो श्री राधा ना जातन की झाई पड़े श्याम हरित द्योति हो भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम बबुए के पद वंदन किए नाशय विघ्न आने श्री राधे मेरी मात है पिता मेरे घनश्याम इन दोनों के चरणों में मेरा बारंबार प्रणाम मेरा कोटि कोटि प्रणाम। आइए जैन परिवार बड़े ही सुंदर भाव से जिनके द्वारा युगल जोड़ी सरकार राधा गोविंद को आमंत्रण निमंत्रण दिया गया कि इस बैंकेट हॉल में पधार रहे समस्त भक्तों को प्रभु आकर के दर्शन दें, तो आज भगवान को आवाहन पुकार एक स्वर में एक आवाज में हो। सर्वप्रथम अपने गुरुदेव भगवान को नमन प्रणाम करते हुए 33 कोटि देवताओं का सानिध्य और उनका आशीर्वाद ग्रहण करते हुए और यहां पर साक्षात विराजमान युगल जोड़ी सरकार श्री राधा जी के संग में हमारे श्री बांके बिहारी जी विद्यमान हैं, उनको आवाहन करना। एक बार दोनों हाथ उठाकर जय घोष कीजिएगा, बोल मेरे बांके बिहारी लाल की जय, बोलो राधा रानी सरकार की जय, बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय, जय जय श्री राधे, जय
जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। एक स्वर में सबने आवाज देनी है, मेरे भगवान यहां प्रकट होंगे आज संदेह नहीं, लेकिन जब सब मिल करके हृदय से गान करेंगे। आओ श्याम जी कन्हैया नंद लाल जी, मेरे प्राणों से प्यारे गोपाल जी। आओ श्याम जी कन्हैया नंद लाल जी, मेरे प्राणों से प्यारे गोपाल जी। आओ श्याम जी श्याम, श्याम जी कन्हैया नंद लाल जी, मेरे प्राणों से प्यारे गोपाल जी। आओ श्याम जी कन्हैया नंद लाल जी, मेरे प्राणों से प्यारे गोपाल जी। क्या आप लोग जानते हैं, आज इस भजन संध्या का उद्देश्य क्या है, कारण क्या है? आप सब लोग जानते हैं आप लोग यहां आज क्यों पहुंचे हैं? कोई भी कार्य हो तो उसका ओकेजन होता है। आज क्या ओकेजन है, आज क्या कारण है, आज क्या लक्ष्य है, कोई जानता है? आज मैरिज डे नहीं है, यहां बर्थडे सेलिब्रेशन भी नहीं है। मैंने पूछा परिवार से इस भजन संध्या का उद्देश्य क्या है, तो बोले इस अंबिका की नगरी अंबाला नगरी में वो वृंदावन वाला वृंदावन छोड़ करके प्रकट हो जाए, यही हमारा उद्देश्य है। अब अंबाला वासियों आप लोग बताओ, चाहते हो आ जाए? चाहते हो तो जरा हाथों को खोलना पड़ेगा। आओ श्याम जी कन्हैया नंद लाल जी, आओ श्याम जी कन्हैया नंद लाल जी, मेरे प्राणों से प्यारे गोपाल जी। आओ श्याम जी कन्हैया नंद लाल जी, मेरे प्राणों से प्यारे गोपाल जी। अभी आता ही होगा सलोना मेरा, हम राह उन्हीं की तका करते हैं, कविता सविता नहीं जानते हैं। दिल में जो आया सो बका करते हैं, दिल में जो आया सो बका करते हैं, दिल में जो आया सो बका करते हैं, दिल में जो आया सो बका करते हैं। आओ श्याम जी कन्हैया नंद लाल जी, मेरे प्राणों से प्यारे गोपाल जी। आओ श्याम जी कन्हैया नंद लाल जी, मेरे प्राणों से प्यारे गोपाल जी। हे गोपाल नंद लाल, हे गोपाल नंद लाल, हे गोपाल नंद लाल, हे गोपाल नंद लाल। मैं जानता हूं कि आप लोग पूरा पूरा भजन नहीं गा पाओगे, थोड़ा थोड़ा आपसे बीच बीच में गवाते रहेंगे, बाकी तो हम ही गाएंगे। जरा हाथों को उठाओ केवल इतना, हे गोपाल नंदलाल, हे गोपाल नंदलाल। आओ श्याम जी कन्हैया नंदलाल जी, मेरे प्राणों से प्यारे गोपाल जी। आओ श्याम जी कन्हैया नंदलाल जी, मेरे प्राणों से प्यारे गोपाल जी। छल छोड़ के जो भजता छलिया, आज सब कपट दंभ
ईर्ष्या काम क्रोध विकार वासना सब छोड़कर यदि कृष्ण को आवाज दी जाएगी तो इस बैंकेट हॉल में आज मेरे कन्हैया प्रकट हो जाएंगे। भगवान ने गीता में कहा, मैं कण कण में व्याप्त हूं पर प्रकट तब होता हूं जब भक्त छल छोड़ के जो भजता छलिया छलिया भी उसी की चाह करता है, दिखलाता उसे छवि की किरणें, दिन रात जो दर्द सहा करता है, श्री कृष्ण हमारा स्नेही सखा, कुछ मीठी सी बात कहा करता है, जिन नैनों से नीर बहा करता, उन नैनों में शाम रहा करता है, उन नैनों में शाम रहा करता है, उन नैनों में शाम रहा करता है। कन्हैया को एक रोज रो कर पुकारा, कन्हैया को एक रोज रो कर पुकारा, कन्हैया को एक रोज रो कर पुकारा, कहा उनसे जैसा हूँ अब हूँ तुम्हारा, कहा उनसे जैसा हूँ अब हूँ तुम्हारा। वो बोले कि साधल किए तूने क्या क्या, वो बोले कि साधल किए तूने क्या क्या, मैं बोला किसे तूने साधन से तारा, मैं बोला किसे तूने साधन से तारा, मैं बोला किसे तूने साधन से तारा। वो बोले कि दुनिया में आकर किया कुछ, वो बोले के दुनिया में आकर किया कुछ, मैं बोला कि अब भेजना ना दोबारा, मैं बोला के अब भेजना ना दोबारा, मैं बोला के अब भेजना ना दोबारा। मुख सूख गया रोते रोते, मुख सूख गया रोते रोते, फिर अमृत भी बरसाया तो क्या, जब भवसागर में डूब चुके तब नाविक नाव को लाया तो क्या, नाविक नाव को लाया तो क्या, तब नाविक नाव को लाया तो क्या। आज कन्हैया से एक बात पूछना जरा, ए माधव ए बिहारी, जन्म जन्म से युग युगों से हम तुझे आवाज दे रहे हैं, पुकार रहे हैं, ओ श्याम जी कन्हैया नंदलाल जी, मेरे प्राणों से प्यारे गोपाल जी, ओ श्याम जी कन्हैया नंदलाल जी, मेरे प्राणों से प्यारे गोपाल जी। ऐ कन्हैया युग युगों से हम तुझे आवाज दे रहे हैं कि तू आ जा, कहां आ जा, मेरे घर में आ जा, कौन सा घर, ये हृदय रूपी घर में आ जा, मेरे दिल में प्रकट हो जा। लेकिन दुर्भाग्य हमारे दिल में सब विकार भी आए, दुनियादारी भी आई, सब कुछ आया, लेकिन हमारे दिल में वो कन्हैया ही नहीं आया। मैं कई बार कहा करता हूं कि ए कन्हैया
मेरे दिल की इस उजड़ी बस्ती में गर आप आते तो पाप क्यों आते। ये मेरे से जो पाप हो रहे हैं महाराज जी, आप नहीं हो तभी तो हो रहे हैं। मेरे दिल की इस उजड़ी बस्ती में कन्हैया अगर आप आते तो पाप क्यों आते। और ऐसी बस्ती जिसमें तुम नहीं बसते, ऐसी बस्ती में पाप बसते हैं। जब तक कन्हैया नहीं आएगा इस कलयुग में हम पापांध कामांध चलेंगे, लेकिन जब कन्हैया आ जाएगा, पर वो आएगा कैसे? हम तो करोड़ों जन्मों से इस प्रतीक्षा में हैं वो आ जाए, लेकिन आया नहीं। मुख सूख गया रोते रोते, फिर अमृत भी बरसाया तो क्या। युग लोचन हमारे बल्द हुए, तब निष्ठुर तू मुस्काया तो क्या। युग लोचन हमारे बंद हुए, तब निष्ठुर तू मुस्काया तो क्या। ये जीवन ही ना रहा जग में, तब आकर दर्श दिखाया तो क्या। मैंने मोहन को बुलाया है वो आता होगा। केवल जैन परिवार नहीं पुकार रहा है, आज हाथ उठाओ कौन कौन पुकार रहा है बिहारी जी को, जरा हाथों को उठाओ तो सही। मैंने मोहन को बुलाया है वो आता होगा। यूं समझो इधर हमने प्रभु को पुकारना शुरू किया और उधर वृंदावन से मेरे बिहारी जी चल पड़े हैं। अभी फोन करके मुझे बताया मैं चल पड़ा हूं आऊंगा। मैंने कहा महाराज कब, तो बोले बैंकेट हॉल में बैठा हुआ एक एक भक्त जब दीवाना होके मुझे पुकारेगा, बावरा होके मुझे पुकारेगा, पागल होकर मुझे पुकारेगा, तो बिहारी जी के जो पागल हैं जरा हाथों को खोलना। मैंने मोहन को बुलाया है वो आता होगा। मैंने मोहन को बुलाया है वो आता होगा। तुम भी आना आना, तुम भी आना आना, तुम भी आना मेरे घर आज करिश्मा होगा। तुम भी आना मेरे घर आज करिश्मा होगा। सामने आओगे आज भी पर्दा होगा। सामने आओगे आज भी पर्दा होगा। रोज ऐसा
रोज ऐसा ऐसा रोज ऐसा ही अगर होगा तो कैसा होगा, रोज ऐसा ही अगर होगा तो कैसा होगा, सामने आओगे आज भी पर्दा देखिए, हम बुलाएं तो क्या वो आता है, विचार कर विषय है, हम बुलाएं तो क्या वो आता है, निश्चित आता है, हम जो मांगे जो फरियाद करें उसे पूरा करता है, निश्चित करता है। एक सच्ची घटना आज आपको एक मिनट में बता रहा हूं बात। वृंदावन बांके बिहारी जी के दर्शन के लिए एक संत चले, पोशाक बना ली भगवान के लिए कि आज भगवान को जाकर पोशाक पहनानी है। और ये घटना बहुत पुरानी नहीं, इसी समय की घटना है। ट्रैफिक जाम था, रास्ते में गाड़ी जाम में फंस गई और संत यही सोचे बोले आज जाम में मैं फंसा रह जाऊंगा, उधर मंदिर के दरवाजे बंद हो जाएंगे, कपाट बंद हो जाएंगे। समय धीरे धीरे बढ़ रहा है और जाम खुल नहीं रहा था। सत्य बात मानिएगा, जैसे कैसे जाम में चलते पहुंचे, लेकिन संध्याकालीन आरती और शयन का समय हो गया। संतों ने कहा हमारी लाई हुई पोशाक अब बिहारी जी नहीं पहनेंगे, आज तो नहीं पहन पाएंगे और कल हमें वापस लौटना है, क्या करें, चलो मंदिर तो चलें। तभी आकर के क्या देखते हैं कि बिहारी जी का जो सिंहासन है उस सिंहासन के नीचे से कुत्ते का पिल्ला निकल करके भागा। पुजारियों ने कहा ये कुत्ते का पिल्ला कहां से आ गया, अब तो मूर्ति को स्नान कराना होगा और नई पोशाक पहनानी पड़ेगी। और दरवाजे पर ये महात्मा जी पोशाक लेकर के खड़े हुए थे। पुजारियों ने कहा चल भीतर आ जा, हो सकता था कि हम मंदिर बंद कर देते, लेकिन आज उसने अपने किसी सेवक को मानो एक वो श्वान बनाकर भेज दिया, क्योंकि तेरी पोशाक तेरे वस्त्र भगवान ने धारण करने थे, अमृत जल से भगवान का स्नान हुआ और वही संतों की पोशाक पहनाई गई। तेरे मन में जो भाव उठता है वो मेरे बिहारी जी पूरा कर दे। इसलिए आज अगर बुलाएंगे तो वो आएगा, निश्चित आएगा, ये मेरा भरोसा है। एक बार जरा कहो हरि आ जाओ, हरि आ जाओ, हरि आ जाओ, हरि आ जाओ, मेरी बिगड़ी आके बना जाओ, मेरी बिगड़ी आके बना जाओ। मौतें आती है तो आ जाए, नहीं गा कोई, मौतें आती है तो आ जाए, नहीं गा कोई। विचार करिए, अगर ये सिर कटाकर बिहारी जी मिल जाएं तो सिर कटाना अच्छा है या नहीं। अगर मैं कहूं सिर दे दो बिहारी जी मिल जाएंगे तो हाथ उठाओ, कौन कौन सिर कटाने को तैयार है। एक जगह हम गए, हमने कहा बिहारी जी को पाना है सिर देना पड़ेगा, कौन कौन तैयार। भक्तों ने हाथ उठा दिए, महाराज जी तैयार। हमने बड़ा अच्छा लगा, हमने कहा आप तो सब भक्त हो, सब सिर देने को तैयार हो, पर ये तो बताओ सिर किसका दोगे। सब बोले महाराज जी पड़ोसी का सिर देंगे। अब आप विचार करिए, आप पड़ोसी का सिर दोगे या अपना सिर दोगे। मौत आ जाए लेकिन उसके आने से पहले बिहारी का दर्शन होगा। पितामह भीष्म ने बाणों की शैया पर पड़े हुए क्या कहा, देह अंत काले तुम सामने हो और बंसी बजाते मन को लुभाते,
गाता यही मैं तन नाथ त्यागू गोविंद दामोदर माधवेती कन्हैया तू आ जाए तो मौत को भी गले लगा जाए। मौत आती है तो आ जाए नहीं गए कोई मौत आती है तो आ जाए नहीं गए कोई वो भी तो आएगा जो मेरा मसीहा होगा वो भी तो आएगा जो मेरा वो भी तो आएगा जो मेरा मसीहा होगा वो भी तो आएगा जो मेरा मसीहा होगा। हमने आओगे आज भी पर्दा होगा हमने आओगे रुझ ऐसा ही अगर होगा तो कैसा होगा रुझ ऐसा ही अगर होगा तो कैसा होगा। हमने आओगे आज भी पर्दा जिनको भगवान ने ये दो दो हाथ दिए हैं ये हाथ किस लिए मिले हैं। मेरे गुरुदेव एक भाव कहा करते थे जब तक कि दो दो हाथ करारे नहीं होते तब तक ए प्रभु तुम भी हमारे नहीं होते। करारे समझते हो ना, ये हाथों से ताली नहीं बजेगी तो भाग्य कैसे संवरेगा, जीवन कैसे पलटेगा और फिर कन्हैया जीवन में कैसे आएगा। जो बिहारी जी को पाना चाहे जिनको हाथ मिले हैं जरा हाथों को उठा के दिखाओ। हरी आ जाओ मेरी बिगड़िया के बना जाओ मेरी नैया पार लगा जाओ हरी आ जाओ मेरा छोटा सा परिवार हरी आ जाओ एक बार
मतलब की दुनिया सारी है, मतलब की दुनिया सारी है, पैसों की रिश्तेदारी है, पैसों की रिश्तेदारी है, मतलब की दुनिया सारी है, मतलब की दुनिया सारी है, पैसों की रिश्तेदारी है, पैसों की रिश्तेदारी है, मेरा प्रभु से सच्चा प्यार, मेरा प्रभु से सच्चा प्यार, मेरा प्रभु से सच्चा प्यार, प्रभु से सच्चा। देखिए यहाँ नाम तो है भजन संध्या, लेकिन मैं आपको सत्य बात कहूं, हम यहाँ कर रहे हैं संकीर्तन, और संकीर्तन वो होता है जो मिल के किया जाए। मैं अकेला गाऊं आप सुनो वो बन जाएगी गजल, भजन, गीत, लेकिन वो कीर्तन बन जाएगा जब हम और आप मिल के उसको गाएंगे। और कीर्तन की शोभा होती है किससे? ताली से और गाने से। भाव कितना प्यारा है कि हम अपने घर में भगवान को पुकारना चाह रहे हैं। ऐसा यहां कोई भी भक्त नहीं होगा जो अपने घर में भगवान को ना चाहता हो। हाथ उठाओ, ऐसा कोई भक्त है जो ये कहे कि हमें घर भगवान नहीं चाहिए? आप बिहारी जी के प्रेमी हो तभी तो यहां आके बैठे हो, अन्यथा यहां कैसे आ जाते? इस समय हो सकता है कुछ लोग होटल में बोतल खोल रहे हो, हो सकता है कुछ लोग हॉस्पिटल में बैठे हुए हो, कुछ लोग बीमारी से तड़प रहे हो, और कुछ लोगों के घर में कलह हो रहा हो। लेकिन आप और हम कितने भाग्यशाली हैं कि बिहारी जी के द्वार पर बिहारी जी को आवाज लगा रहे हैं, ये भाग्य है। तो इसको संकीर्तन बनाना है और दोनों हाथों को उठाकर मेरे साथ गाना है। हरिया जाओ, हरिया जाओ, हरिया जाओ, हरिया जाओ, मेरी नैया पार लगा जाओ, मेरी नैया पार लगा जाओ, मेरा छोटा सा परिवार, मेरा छोटा सा परिवार, मेरा छोटा सा परिवार, मेरा छोटा सा परिवार, हरिया जाओ एक बार, मेरा छोटा सा परिवार, हरिया जाओ। दोनों हाथ खोल कर ताली सेवा करते हुए जी राधे। सारे सहारे छूट गए, मेरे सारे सहारे छूट गए, मेरे सारे सहारे छूट गए, मेरे सारे सहारे छूट गए। एक बात याद रखिएगा, इन दुनिया से सहारा मांगोगे तो कोई सहारा देने के लिए तैयार नहीं होगा, कोई खड़ा नहीं होगा। हाँ, ये बात और है कि सुख में तो सब संग खड़े नजर आएंगे, पर जब विपत्ति की घड़ी होगी तो कोई तुम्हारे साथ खड़ा नहीं होगा, सब दौड़ जाएंगे। कई बार लोग हमारे पास आके कहते हैं, बोले गुरुजी दुनिया वालों ने हमारा दिल तोड़ दिया, तो मैं हंस करके कहता हूं, तुमने दुनिया से दिल लगाया ही क्यों था?
दुनिया से दिल लगाओगे तो दिल टूटेगा ही। अगर चाहते हो आपका दिल ना टूटे तो दुनिया से कभी दिल मत लगाना, दिल लगाना हो तो मेरे बांके बिहारी से दिल लगाना। आज लोग कहते हैं हम दुनिया पर विश्वास करते हैं और दुनिया वाले हमें विश्वासघात देते हैं। बोलिए मैं गलत तो नहीं कह रहा हूं? यहां जितने लोग बैठे हो कहीं ना कहीं धोखा दुनिया में मिला होगा, किसी ना किसी रूप में किसी ने षड्यंत्र किया होगा, धोखा दिया होगा। हम दुनिया में विश्वास करेंगे और दुनिया धोखा देगी, लेकिन मेरे प्रभु की लीला अद्भुत, प्रभु की शरण में यदि कोई आ जाएगा तो भगवान उसे धोखा नहीं देते, उसके विश्वास को बनाते हैं। लेकिन हम दुर्भाग्यशाली अभागे कि हम लोग जो दुनिया धोखेबाज है उस दुनिया के चक्कर में पड़े रहते हैं। लेकिन आज इस संकीर्तन में बांके बिहारी जी से ये भाव जरा कहना, मेरे सारे सहारे छूट गए, मेरे सारे सहारे छूट गए, मेरे अपने मुझसे रूठ गए, मेरे अपने मुझसे रूठ गए, मेरे सारे सहारे छूट गए, मेरे सारे सहारे छूट गए, मेरे अपने मुझसे रूठ गए, मेरे अपने मुझसे रूठ गए। सब करते हैं तकरार, हरिया जाओ एक बार, मेरा छोटा सा परिवार, हरिया जाओ एक बार, मेरा छोटा सा परिवार, हरिया जाओ एक बार, मेरा छोटा सा परिवार, हरिया जाओ एक बार। ये बताओ कृपा किस किस को चाहिए? आज बिहारी जी आएंगे कृपा भी करेंगे, पर मुझे पता तो हो कि आप में से किस किस को कृपा दिलानी है, मुझे जरा इशारा दे दो हाथ उठा के, किस किस को कृपा चाहिए? अच्छा, सभी को कृपा चाहिए, लेकिन मेरी व्यासपीठ की बात समझ लेना, जिसके हाथ जितने ऊंचे उठेंगे संकीर्तन में उसके ऊपर उतनी ज्यादा कृपा होगी। जिन लोगों के हाथ यहीं तक जा पा रहे हैं उनकी कृपा भी यहीं तक होने वाली है, और जिनके हाथ यहाँ पर हैं वो उनको कृपा यहाँ तक की है, लेकिन जिनके हाथ बिल्कुल सीधे उठ गए हैं उन पर 100% कृपा बरसने वाली है। अब मर्जी तुम्हारी है कितनी कृपा चाहिए, और जिनके यहाँ हैं उनको तो कोई कृपा नहीं मिलनी, इसलिए हाथों को बिल्कुल सीधा उठा करके जरा, हरिया जाओ हरिया जाओ, हरिया जाओ हरिया जाओ, हरिया जाओ हरिया जाओ, हरिया जाओ हरिया जाओ, मेरा छोटा सा परिवार, मेरा छोटा सा परिवार, मेरा छोटा सा परिवार, मेरा छोटा सा परिवार, हरिया जाओ एक बार, 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 हरिया जाओ हरिया जाओ, 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 मेरी नैया पार लगा जाओ, नैया
मेरा छोटा सा संसार, मेरा छोटा सा संसार, मेरा छोटा सा संसार, मेरा छोटा सा संसार, हरि आ जाओ एक बार, मेरा छोटा सा परिवार, हरि आ जाओ एक बार। परिवार की ओर से व्यासपीठ का सम्मान है। मैं संपूर्ण परिवार को बहुत बहुत आशीर्वाद साधुवाद करता हूँ। एक बार सब लोग ताली बजा करके अपना आशीर्वाद दीजिएगा जरा। अब ये हमारे पास आए हैं, दोनों बच्चे भी हैं, तो जरा एक बार ठाकुर जी को हम बुला रहे हैं आपके घर में, एक बार हाथों को उठाओ, आप कहना हरि आ जाओ, हरि आ जाओ, हरि आ जाओ, हरि आ जाओ, मेरी बिगड़ी पार लगा जाओ, मेरी बिगड़ी पार लगा जाओ, मेरी नैया पार लगा जाओ, मेरी नैया पार लगा जाओ, पार लगा जाओ, मेरी नैया पार लगा जाओ, मेरी नैया पार लगा जाओ। हाँ जी, क्या कहना है आप लोगों ने? हमारे जितने भी प्यारे खड़े हैं, एक बार हाथों को उठाइए जरा सभी लोग, और केवल इतना कहना है मेरा छोटा सा परिवार, मेरा छोटा सा परिवार, मेरा छोटा सा परिवार, मेरा छोटा सा परिवार, हरि आ जाओ एक बार, मेरा छोटा सा परिवार, हरि आ जाओ एक बार। आप लोगों की आवाज नहीं आ रही है, मेरी आवाज तो कितनी आ रही है, आपकी आवाज ही नहीं है। कौन कौन गा रहा है? जिनको प्रभु ने हाथ दिए वो ताली बजाओ, और जिनको प्रभु ने आवाज दी वो गाओ, और दोनों हाथ उठा करके गाओ, हरि आ जाओ, 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 मेरी नैया पार लगा जाओ, मेरी नैया पार लगा जाओ, मेरी बिगड़ी आके बना जाओ, मेरी बिगड़ी आके बना जाओ, मेरा छोटा सा परिवार, मेरा छोटा सा परिवार, हरि आ जाओ एक बार, मेरा छोटा सा परिवार, हरि आ जाओ एक बार। भगवान ने पूछा, एक गोपी कह रही थी महाराज जी मेरे घर आओ, मेरे घर आओ, मेरे घर आओ। भगवान ने कहा, री गोपी यदि मैं तेरे घर आऊंगा तो करेगी क्या? आप लोगों ने कहा मेरे घर आ जाओ, भगवान पूछ रहे हैं कि हम तुम्हारे घर आएंगे तो करोगे क्या? तो आज भगवान को बताएं क्या? मेरे घर आना सावरिया, मेरे घर आना सावरिया, तुहे जाने ना दूंगी, मेरे घर आना सावरिया, तुहे जाने ना दूंगी, जाने ना दूंगी, तुहे जाने ना दूंगी, जाने ना दूंगी, जाने ना दूंगी, जाने ना जाने ना दूंगी, जाने ना दूंगी, जाने ना दूंगी, जाने ना दूंगी, तोहे जाने ना दूंगी, जाने ना दूंगी, तोहे जाने ना दूंगी। भगवान ने कहा जाने नहीं देगी तो क्या करेगी? रखूंगी सारी उमरिया, तोहे रखूंगी सारी उमरिया, रखूंगी सारी उमरिया,
तोहे रखूंगी सारी उमरिया, तोहे जाने ना दूंगी तेरे मरियाना सवरिया, तोहे जाने ना दूंगी। माखन खिलाऊंगी तेरे घर आओगे तो माखन खिलाऊंगी, तेरे घर आओगे तो माखन खिलाऊंगी, तेरे घर आओगे तो माखन खिलाऊंगी, माखन खिलाऊंगी, माखन खिलाऊंगी, मिश्री मिलाऊंगी, मिश्री मिलाऊंगी, मेरे घर आओगे तो माखन खिलाऊंगी, मेरे घर आओगे तो माखन खिलाऊंगी, मेरे घर आओगे तो माखन खिलाऊंगी, मेरे घर आओगे तो माखन खिलाऊंगी। बजाने को दूंगी मुरलिया, बजाने को दूंगी मुरलिया, तुहे जाने ना दूंगी मेरे घर आना सवरिया, तुहे जाने ना दूंगी, जाने ना दूंगी 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 तुहे जाने ना दूंगी। रख लूंगी सारी उमरिया, रख लूंगी सारी उमरिया, तुहे जाने ना दूंगी मेरे घर आना सवरिया, तुहे जाने ना दूंगी। घर आना सवरिया, तुहे जाने ना
दूंगी तेरे भरे आना सावरिया कोई जाने ना दूंगी जाने ना दूंगी तो है 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 जाने ना दूंगी तेरे भरे आना सावरिया तेरे भरे आना सावरिया तो है जाने ना दूंगी तेरे भरे आना सावरिया तो है जाने ना दूंगी हरे आना सावरिया तो है जाने ना दूंगी तेरे भरे आना सावरिया तो है जाने ना दूंगी जाने ना दूंगी 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 तो है जाने ना दूंगी रख लूंगी सारी उमरिया रख लूंगी सारी उमरिया रख लूंगी सारी उमरिया रख लूंगी सारी उमरिया तो है जाने ना दूंगी मेरे भरे आना सावरिया तो है जाने ना दूंगी मेरे भरे आना सावरिया तो है जाने ना दूंगी मेरे भरे आना सावरिया तो है जाने ना दूंगी ऐसा हमें तो अनुभव में हो रहा है कि भगवान बिहारी जी यहाँ प्रकट हो रहे हैं इस समय आपको भी अनुभव हो रहा है या नहीं जरा हाथों को उठाओ सभी भक्त हरिया जाओ हरिया जाओ हरिया जाओ हरिया जाओ हरिया जाओ हरिया जाओ जाओ हरिया 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 जाओ तेरी मैया पार लगा जाओ पार लगा जाओ हरिया 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 जाओ जाओ हरिया 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 जाओ मेरे साथ सभी ने दोनों हाथ उठा के कहना है राधे 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 जय राधे 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 जय राधे
राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे बोलो वृंदावन बिहारी लाल की, बोलो राधा रानी सरकार की, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। आज वर्षों पुरानी याद हमेश जी ने दिला दी। जब मैं आया तो नम आंखें हो गई, बोले गुरुदेव 2014 में आपसे सर्वप्रथम मिलन हुआ और वो मिलन ऐसा प्रेम ऐसा स्नेह और ऐसा ही विकास जी का स्नेह। ये सुंदर बैंकेट हॉल और उसी स्नेह के कारण ये भावपूर्ण बिहारी जी का नाम संकीर्तन आयोजन। अगर मैं आप लोगों से पूछूं कि आप में से कौन कौन बांके बिहारी जी से प्यार करता है तो कौन कौन कहेगा करते हैं? सभी करते हैं। कई जगह हम सुनते हैं ये तीन वर्ड्स बोले जाते हैं, ये तीन अक्षर चलते हैं, आई लव यू। मैं कई बार हंसता हूं, लव का मतलब है प्रेम, और जहां प्रेम है वहां आई और यू का तो कोई मतलब ही नहीं रह जाता, और जहां आई और यू का मतलब रह जाए वहां प्रेम नहीं रह जाता। तो आप सब बिहारी जी से विशुद्ध प्रेम करते हो, हाथ उठाओ कौन कौन प्रेम करते हैं। अच्छा, अगर हम ये पूछें कि बिहारी जी से प्यार क्यों करते हो तो क्या जवाब देंगे आप लोग? अगर हम ये कहें बिहारी जी से प्रेम क्यों करते हो तो आपका जवाब क्या होगा? चलिए मैं बता देता हूं। ये मैं जानू या वो जाने, ये मैं जानू या वो जाने, मोहन से दिल क्यों लगाया है, मोहन से दिल क्यों लगाया है। क्या कहोगे? ये मैं जानू या वो जाने,
की कागा सब तन खाइयो मेरा चुन चुन खाइयो पर दोने नामत खाइयो कि मोहेशाम शाम मिलन की जो एक बार वृंदावन चला गया वही का हो करके रहे कि एक बार अयोध्या जाओ दो बार द्वारिका तीन बार जाके त्रिवेणी में नहाइए चार बार चित्रकूट नौ बार नासिक में और बार बार जाके बद्रीनाथ घूम आइए कि गया जगन्नाथ रामेश्वर आदि तीर्थों में और चाहे जितने तीर्थ आप जाके घूम आइए और होते प्रत्यक्ष दर्शन शाम शामात वृंदावन सा कहीं आनंद नहीं पा वृंदावन वाले से जिनको प्यार है जो उस बांके बिहारी की टेढ़ी चितवन पर फिदा हो गए हैं मर मिटे हैं जरा वो हाथ उठा करके हमारे साथ गुनगुना देना क्या ये मैं जानू या वो जाने ये मैं जानू या वो जाने ये जानू या वो जाने ये मैं जानू या वो जाने ये मैं जानू या वो जाने मोहन से दिल क्यों लगाया है मोहन से दिल क्यों लगाया है मोहन से दिल क्यों लगाया है ये मैं जानू या वो जाने मोहन से दिल क्यों लगाया है मैं जानू या वो जाने ये मैं जानू या वो जाने मैं जानू या वो जाने ये मैं जानू या वो जाने मैं जानू या वो जाने चलिया पर दिल जो आया है चलिया पर दिल जो आया है ये मैं जानू या वो जाने मोहन से दिल को लगाया है ये मैं जानू या वो जाने हर बात निराली है उसकी हर बात में है एक टेढ़ा पल हर बात निराली है उसकी हर बात में है एक टेढ़ा पल टेढ़े पर दिल क्यों आया है 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 तीन और से टेढ़े खड़े हैं बांके बिहारी पांव भी टेढ़े कटी भाग भी टेढ़ा और गर्दन भी थोड़ी सी टेढ़ी कवि ने कहा कि टेढ़े पर दिल क्यों आया है तो क्या कहोगे टेढ़े पर दिल क्यों आया है टेढ़े पर दिल क्यों आया है ये मैं जानू या वो जाने टेढ़े पर दिल क्यों आया है मैं जानू या वो जाने
जितना दिल ने उसे याद किया उतना जग ने बदनाम किया, उतना जग ने बदनाम किया, उतना जग ने बदनाम किया, जितना दिल ने उसे याद किया उतना जग ने बदनाम किया, उतना जग ने बदनाम किया, उतना जग ने बदनाम किया, बदनामी का फल क्या पाया है, 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 ये मैं जानू या हो जाए, मोहन से दिल को लगाया है, ये मैं जानू या हो जाने, 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 ये मैं जानू या वो जाने, बदनामी का फल क्या पाया है, 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 मैं जानू या वो जाने, मोहन पे दिल को लगाया है, ये मैं जानू या वो जाने, मोहन से दिल क्यों लगाया है, ये मैं जानू या वो जाने, मोहन से दिल क्यों लगाया है, ये मैं जानू या वो जाने, आंखे बिहारी की देख छटा, 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 मेरे मन गयो लटा पटा, मेरे मन गयो लटा पटा, लटा पटा एरी लटा पटा, लटा पटा एरी लटा पटा, लटा पटा हेरी लटा पटा, लटा पटा हेरी लटा पटा, आगे बिहारी की देख छटा, आगे बिहारी की देख छटा, मेरे मन है गयो लटा पटा, हरी मेरे मन है गयो लटा पटा, हरी मेरे मन है गयो लटा पटा, हरी मेरे मन है गयो लटा पटा, कब से खोजू बनवारी को, 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 बनवारी को गिरधारी को, बनवारी को गिरधारी को, कब से खोजू बनवारी को, बनवारी को गिरधारी को, बनवारी को गिरधारी को, कोई बता दे उसका पता, 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 मेरे मन है गयो लटा पटा, मेरे मन है गयो लटा पटा, बांके बिहारी की देख छटा, बांके बिहारी की देख छटा,
हरे रो मन है गयो लटा पता श्यामल तन धारी मोर मुकुट श्यामल तन धारी मोर मुकुट श्यामल तन धारी मोर मुकुट श्यामल तन धारी घर में मुरली अधरन प्यारी घर में मुरली अधरन प्यारी घर मुरली अधरन सज प्यारी घर अमर में बांधा है पीला पटा 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 निर्मल है गयो लटा पटा निर्मल है गयो लटा पटा बागे बिहारी को देख छटा बागे बिहारी की देख छटा आगे बिहारी के देख छटा आगे बिहारी के देख छटा मेरो मन है गयो लटा पटा मेरो मन है गयो लटा पटा हरी मेरो मन है गयो लटा पटा मेरो मन है गयो लटा पटा हरी मेरो मन है गयो लटा पटा मेरो मन है गयो लटा पटा के बिहारी की देख छटा 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 रो मन है गयो लटा पटा गयो लटा पटा मेरो मन है गयो लटा पटा मेरो मन है गयो लटा पटा मेरे बागे बिहारी की देख जगा 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 मेरो मन है गयो लटा पटा 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 तेरी मेरो मन है गयो लटा पटा मेरो मन है गयो लटा पटा तेरी 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 मेरो मन है गयो लटा पटा आज यहाँ का माहौल भी एक अद्भुत है, अलौकिक है, अलग ढंग का है। और अभी ये भजन गाते गाते बिहारी जी की देख छटा मेरो मन है गयो लटा पटा, नजर घूमी चारों तरफ, मन में आया मैंने कहा भजन से ज्यादा यहाँ ये गा दे तो अच्छा। यहाँ आप लोग जैसे बैठे हो सब लोग ऐसा हाथ पे हाथ धर के तो सुनने के लिए बैठे सुना दे हमें और जीने की
और जीने की चाहत न होती अगर तुम ना होते, अगर तुम ना होते हमें और जीने की चाहत न होती। हाय कितने प्यार से सुन रहे हैं सभी भाई भी चौकस, माताएं बहनें भी सब, और स्माइल आ गई चेहरे पर। बोले ये बात हमें जो तुम्हारा सहारा न मिलता भवर में ही रहते किनारा न मिलता किनारे पे भी तो लहर डूबती जिंदगी क्या होती कुछ भी ना होती हमें जो तुम्हारा सहारा ना मिलता भंवर में ही रहते किनारा ना मिलता किनारे पे भी तो लहर डूबोती जिंदगी क्या होती कुछ भी ना होती हमें और जीने की। मैं कई बार कहता हूं कि हमारे हिंदुस्तान के जो लेखक हैं वो गलत लिख ही नहीं सकते। वो जब भी लिखते हैं बढ़िया लिखते हैं, हमारी सोच खराब हो सकती है। बहुत वर्ष पूर्व गाड़ी से कहीं जा रहे थे सफर में, ये पंक्तियां कानों में पड़ी तो लगा लिखने वाले ने किसी व्यक्ति के लिए नहीं लिखी होंगी, ये पंक्तियां तो मेरे बिहारी जी के लिए ही केवल लिखी गई होंगी, और कोई कारण हो ही नहीं सकता है। आज स्मरण में आ गई क्योंकि आप लोग बैठे हैं थोड़ा सुनने के लिए, तो दो पंक्ति सुनाकर आगे। तुम्हें क्या बताए कि तुम मेरे क्या हो, मेरी जिंदगी का तुम ही आसरा हो, मैं आशा की लड़ियां न रे पिरोती अगर तुम ना होते, अगर तुम ना होते हर एक गम तुम्हारा सहेंगे खुशी से करेंगे ना शिकवा कभी हम किसी से हर एक गम तुम्हारा सहेंगे खुशी से करेंगे ना शिकवा कभी हम किसी से हमें तुमसे प्यार कितना ये हम नहीं जानते मगर जी नहीं सकते तुम्हारे बिना। हम ये गाने वाले नहीं है, ये तो मैंने वैसे ही सुना दी दो पंक्तियां क्योंकि तुम सब लोग ऐसे बैठे थे। कैसे काम चलेगा? आओ, राधा रानी का दरबार है, ये महफिल राधा रानी के नाम की है और उन्हीं का नाम हमने सबने गुनगुनाना है। करुणा मई कृपा कीजिए, ओ
करुणा मई कृपा कीजिए, 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 राधा श्री राधा राधा श्री 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 राधा श्री राधा करुणा मई कृपा कीजिए, करुणा मई कृपा कृपा कीजिए, करुणा मई कृपा कीजिए, करुणा मई कृपा कीजिए हो, करुणा मई कृपा कीजिए। आप लोगों ने हमारे साथ कहना है, श्री राधा श्री राधा राधा श्री राधा श्री राधा 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 श्री राधा श्री राधा श्री राधा राधा श्री राधा श्री राधा 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 श्री राधा राधा श्री राधा श्री राधा राधा श्री राधा श्री राधा 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 श्री राधा राधा श्री राधा करुणा मई कृपा कीजिए, करुणा कृपा कीजिए, करुणा मई 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 कृपा कीजिए, श्री राधा श्री राधा राधा श्री राधा श्री राधा राधा श्री राधा श्री राधा श्री राधा श्री राधा राधा श्री राधा श्री राधा श्री राधा श्री राधा श्री राधा करुणा मई कृपा कीजिए, करुणा मई कृपा करुणा मई कृपा कीजिए, करुणा मई कृपा कीजिए, करुणा मई कृपा कीजिए, करुणा मई कृपा कीजिए, ओ करुणा मई कृपा कीजिए, करुणा मई कृपा कीजिए। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। एक होता है भोजन और एक होता है भजन, ज्यादा अंतर नहीं है दोनों में। आप देखो क्या अंतर है, भोजन और भजन में क्या अंतर है? अक्षर तो सेम है, भजन, बस भोजन में एक मात्रा फालतू लग गई है। एक बार एक व्यक्ति बोला कि भोजन में मात्रा क्यों लगी? मैंने कहा भोजन में मात्रा इसलिए लगी कि जब भोजन करें तो मात्रा में रहकर करें, लेकिन भजन में कोई मात्रा नहीं है, जितना जी में आए सो करें। लेकिन यहां भोजन भी है और भजन भी है। अब आप विचार करो, उधर भोजन है इधर भजन है, चक्कर तो पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? पर कोई बात नहीं, आओ बिहारी जी का नाम, जो उधर खड़े हैं वो वहीं आनंद ले रहे हैं,
लेकिन आप जो यहाँ पर बैठे हैं वो यहाँ आनंद ले रहे हैं, खूब आनंद ले रहे हैं। आओ, एक इच्छा थी वो भाव थोड़ा सा गुनगुनाएंगे। नजर ने नजर से मुलाकात कर ली, नजर ने नजर से मुलाकात कर ली, रहे दोनों खामोश मगर बात कर ली। आओ, जरा हाथ उठा के बतलाना कौन कौन वृंदावन गया है आप भक्तों में से। आप गए हैं, और अब वो हाथ उठाओ जो नहीं गए अभी तक। आप भी नहीं गए, आप नहीं गए, आप गए हो वृंदावन? नहीं गए, तभी बातें कर रहे हो दोनों बैठे हुए हैं। वृंदावन जाते तो केवल बिहारी की बात समझ में आती। अच्छा, ये जो पीछे खड़े हैं ये वृंदावन गए हैं या नहीं? पीछे वाले वृंदावन गए हैं। जब हम बिहारी जी के मंदिर में जाते हैं तो वहां पर भक्त मौन हो जाता है। बिहारी जी के मंदिर में जाकर के भक्त बोल नहीं पाता है। घर से बहुत कुछ सोच के जाता है, बिहारी जी के दर पर जाऊंगा, ये बोलूंगा, वो बोलूंगा, ऐसा सुनाऊंगा, वैसा सुनाऊंगा। लेकिन जब मंदिर में प्रवेश किया और उस टेढ़ी सांवरी सरकार को, उस काले कलूटे को देखा, सब कुछ भूल गया, विस्मृत हो गया, कायल हो जाता है, घायल हो जाता है, दीवाना बावरा हो जाता है। और इसका प्रमाण जो वृंदावन गए उन्होंने देखा, मैंने तो देखा है बिहारी जी के मंदिर में जब कोई नास्तिक भी प्रवेश करता है तो वो दंडवत प्रणाम करने लग जाता है, दंडवत हो जाता है। एक नास्तिक को भी दंडवत होने पर मजबूर होना पड़ता है। बिहारी जी के दरबार में मैंने ऐसे ऐसे नास्तिक देखे जो शायद कभी मंदिर नहीं जाते थे, लेकिन बांके बिहारी के घर गए, उस दरबार में खड़े आंखों से आंसू बह रहे थे, रो रहे थे। एक अंधा बाबा तो एक दिन बिहारी जी के मंदिर में खड़ा हुआ, कुछ लोगों ने कहा, रे बाबा भक्तों की भीड़ बहुत है, कोई धक्का मारेगा तो गिर जाएगा। बाबा ने कहा कि नहीं गिरूंगा, क्यों? संभालने वाला खड़ा है। एक भक्त और आया, रे अंधे बाबा, बिहारी के द्वार पर खड़े हो, तुम्हें क्या मिलेगा इस भीड़ में खड़े होकर, लालटेन लेकर के खड़े हो, तुम तो देख भी नहीं सकते, चलो हटो, हमें दर्शन करने दो। अंधे बाबा ने बड़ी प्यारी बात कही। बूढ़े अंधे बाबा ने कहा, मैं अंधा हूं पर ये मेरा बांका बिहारी तो अंधा नहीं है, मैं नहीं देख सकता, वो तो देख सकता है ना। और सच मानना आज वही स्थिति है, आप शायद बिहारी जी को ना देख पाओ, लेकिन मेरे बिहारी जी मेरे संग सदैव विद्यमान रहते हैं, और बिहारी जी इस समय प्रकट होकर के आप सबको देख रहे हैं। जब भक्त बिहारी जी के दरबार में गया, मौन हो जाता है, बोल नहीं पाता है, तब आंखें आंखों से बात कर लेती हैं। बिहारी जी के बड़े बड़े नेत्र, एक भक्त बोला, महाराज बिहारी जी की आंखें इतनी बड़ी बड़ी क्यों हैं?
मैंने कहा ये इसलिए इतनी बड़ी हैं कि लाखों करोड़ों भक्त आते हैं, उन सबको अपने हृदय में जो बसाना होता है। और इसलिए भी ये आंखें इतनी बड़ी हैं कि इन नौका के समान आंखों में बिठाकर भक्तों को भवसागर से पार लगाना हो। ये मेरे बिहारी जी की आंखों की महिमा है। आपने देखा होगा राम जी का चित्र, राम जी के हाथ में होता है धनुष। आपने कृष्ण का चित्र देखा होगा, कृष्ण के शिव के हाथ में होता है त्रिशूल। हनुमान जी का चित्र देखा होगा, हनुमान के हाथ में होती है गदा। सब देवताओं के पास हैं शस्त्र, लेकिन हमारे बांके बिहारी कौन सा शस्त्र लेकर खड़े हैं बतलाओ? कोई शस्त्र उनके पास नहीं है, कोई तलवार नहीं, कोई चाकू नहीं, कोई धनुष बाण नहीं। वो तो अपने हाथों में मुरली लेकर के, बांसुरी लेकर के खड़े हुए हैं, जो प्रेम का प्रतीक वाद्य यंत्र है। शस्त्र नहीं है इनके पास, लेकिन फिर भी जो भक्त गया उसने कहा महाराज शिव के हाथ में त्रिशूल और राम के हाथ में बाण, पर ना शिव घायल कर सके ना राम। अगर घायल करता है तो ये बांका बिहारी घायल करता है। और ये घायल करता कैसे आप लोग जानते हो या नहीं? बिहारी जी कैसे घायल करते? बस यही थोड़ा सा भाव गाते हैं, आओ मिलकर के सब। चलावे तीर नजरा दे जिगर तो पार हो जावे, सलोनी सांवरी सूरत मोहन नल प्यार हो जावे। तो जिन्होंने बिहारी जी का दर्शन किया है या इस समय यहां करना चाहें, जरा हाथों को उठा करके एक मिनट ताली बजानी है और सबने हमारे साथ गाना है। चलावे तीर नजरा दे जिगर तो पार हो जावे, चलावे तीर नजरा दे जिगर तो पार हो जावे, सलोनी सांवरी सूरत मोहन नल प्यार हो जावे, सलोनी सांवरी सूरत मोहन नल प्यार हो जावे, चलावे तीर नजरा दे जिगर तो पार हो जावे, चलावे तीर नजरा दे जिगर तो पार हो जावे, सलोनी सांवरी सूरत मोहन नल प्यार हो जावे, सलोनी सांवरी सूरत मोहन नल प्यार हो जावे, चलावे तीर नजरा दे जिगर तो पार हो जावे, चलावे तीर नजरा दे जिगर तो पार हो जावे। जरा पर्दा हटा के सामने एक बार हंस जाता, जरा पर्दा हटा के सामने एक बार हंस जाता, जरा पर्दा हटा के सामने एक बार हंस जाता, जरा पर्दा हटा के सामने एक बार हंस जाता। मैं निवेदन करूंगा विकास जैन जी से कि परिवार के सहित एक बार आगे आ जाओ, क्योंकि बिहारी जी आपके घर में इस समय आए हुए हैं। और जब बिहारी जी हमारे घर में आए हो तो हमें उनके नाम के गीत गाने चाहिए, खूब नाचना चाहिए उनके स्वागत में।
आज उनका स्वागत जरा दोनों हाथ खोल करके चलावे तीर नजरा दे, तीर नजरा दे, जिगर तो पार हो जावे, चलावे तीर नजरा दे, जिगर तो पार हो जावे, सलोनी सांवरी सूरत मोहन नल प्यार हो जावे, सलोनी सांवरी सूरत जरा पर्दा हटा के सामने एक बार हंस जाता, पर्दा हटा के सामने एक बार हंस जाता, कटिया जावे दिल में जो, कटिया जावे दिल में जो, कृष्ण दावार हो जावे, जलावे तीर नजरा दे, जिगर तो पार हो जावे। बिहारी जी महाराज की जय हो। मोहन नल प्यार हो जावे,
हाथ उठा करके भाव से हो जावे जो कुराली से आए हुए हैं सब भक्तजन, संजीव जी हैं, योगेश जी हैं, सब लोग बैठे हैं। कहना पड़ेगा तो आनंद नहीं आएगा ना। आप लोग तो भक्त हैं, प्रभु के प्रेमी हैं, और प्रेमी को कहना नहीं पड़ता है। एक वीडियो बड़ी वायरल हुई हमेश जी की, वो कौन सी थे, सामने समधी जी गा रही समधन है, वो ऐसा था, लेकिन बहुत चमत्कारी कमाल का। और उसमें मैंने आप सबको खूब आनंद लेते हुए देखा। और आज बिहारी जी का ये उत्सव, विकास जी बच्चे कहाँ हैं अपने दोनों, इस समय तो देखो सबसे बड़े अतिथि हमारे ठाकुर जी हैं, और थोड़ी देर की बात है, अब थोड़ी देर उनको मना लें। चलावे तीर नजरा दे, चलावे तीर नजरा दे, जिगर तो पार हो जावे, चलावे तीर नजरा दे, जिगर तो पार हो जावे। चलो नीराव की सूरत मोहन डल प्यार हो जावे, सलोनी सावरी सूरत मोहन डल प्यार हो जावे। मैं लब लब हो गई पागल, तू आवे क्यों न मन मोहन, मैं लब लब हो गई पागल, तू आवे क्यों न मन मोहन। मैं लब लब हो गई पागल, तू आवे क्यों न मन मोहन, मैं लब लब हो गई पागल, तू आवे क्यों न मन मोहन। गोपाली ठाकुर मिल जावे, गोपाली ठाकुर मिल जावे, गोपाली ठाकुर मिल जावे, गोपाली ठाकुर मिल जावे, ये दिल भी मुकार हो जावे। चलावे तीर नजर आवे, जिगर तो पार हो जावे। देखो हमारे प्यारे विभोर जी से मैं कहूंगा, थोड़ा डांस तो देखेंगे ना आप, गेस्ट तो सबसे बड़े ठाकुर जी हैं इस समय, यहीं आगे आ जाओ थोड़ी देर के लिए। अब और छोटे वाला बेटा कहाँ है, और लुधियाना से भी आए हुए हैं है? अच्छा अब यहाँ क्या माहौल है अंबाला में, एक एक का नाम लेकर के कहना पड़ता है दरबार में हाजिरी के लिए क्या? हमारे यहाँ तो ऐसा नियम वैसे है नहीं, आपके यहाँ ऐसा है तो मैं नाम की आपकी लिस्ट मंगवा लेता हूँ अपने पास। नाम बोलेंगे तभी हाजिरी लगेगी या बिना नाम के लग जाएगी? जिन्होंने हाजिरी लगानी है जरा अपने स्थान पर खड़े हो जाओ एक मिनट के लिए। राधे कृष्णा राधे कृष्णा राधे कृष्णा राधे कृष्णा राधे कृष्णा राधे कृष्णा राधे राधे, राधे कृष्णा राधे कृष्णा राधे कृष्णा राधे कृष्णा राधे कृष्णा राधे राधे। राधे कृष्णा राधे कृष्णा राधे कृष्णा राधे कृष्णा राधे कृष्णा राधे कृष्णा राधे राधे, राधे कृष्णा राधे कृष्णा राधे कृष्णा राधे कृष्णा राधे कृष्णा राधे कृष्णा राधे राधे। चलावे तीर नजरा दे,
जिगर तो पार हो जावे, चलावे तीर नजरावे, जिगर तो पार हो जावे। चलो नी सावरी सूरत मोहन नाल प्यार हो जावे, चलो नी सावरी सूरत मोहन नाल प्यार हो जावे। क्योंकि ये मेरा अपना परिवार है, कोई अनजान जगह में नहीं हूं, इसलिए आज इन सबको झूमता नाचता देखकर मेरे मन में भी भाव है, मैं भी वहीं आप लोगों के पास आता हूं और संग गाएंगे और संग ठाकुर को रिझाएंगे। एक दो मिनट जरा कृष्णा राधे कृष्णा राधे कृष्णा राधे कृष्णा राधे कृष्णा राधे कृष्णा राधे 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 कृष्णा राधे कृष्णा राधे कृष्णा राधे कृष्णा राधे कृष्णा राधे कृष्णा राधे राधे। कौन कौन आज बिहारी जी के नाम की मस्ती में आनंद लेना चाहता है जरा बताओ, आनंद लेना है। विकास जी कहाँ चले गए? तो जिन्होंने आनंद लेना है एक काम करते हैं, मेरे पास स्टेज पे आओ, यहाँ आवाज कम है, तुम्हारे ठुमके कैसे लगेंगे? मैं नीचे आके समझा इस बात को कि आवाज नीचे है ही नहीं। किस किस ने वृंदावन का आनंद लेना है? अब आनंद पूरा आएगा, लेकिन तुम्हें वृंदावन के लिए दो सीढ़ियां चढ़नी पड़ेंगी, क्योंकि संख्या में बाकी तो उधर पार्टी चल रही बढ़िया चकाचक। आप लोग मेरे पास आ जाओ, जैन साहब ने बाकी पीछे भेजे ही, आ जाओ। जिन्होंने वृंदावन का आनंद लेना है जरा परिवार से, जितने भी प्रियजन है, कुराली से आए हुए भी हमारे प्यारे, आ जाओ और बिहारी जी के दरबार में जरा। और मेरा परिवार सुरेश गर्ग जी का परिवार भी है, मैं कहूंगा वो भी आ जाएं और बिहारी जी के दरबार में हाजिरी।
राधे कृष्णा राधे कृष्णा राधे कृष्णा राधे कृष्णा राधे कृष्णा राधे कृष्णा राधे 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 कृष्णा राधे कृष्णा राधे कृष्णा राधे कृष्णा राधे कृष्णा राधे कृष्णा राधे 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 कृष्णा राधे कृष्णा राधे कृष्णा राधे कृष्णा राधे कृष्णा राधे कृष्णा राधे 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 कृष्णा राधे कृष्णा राधे कृष्णा राधे कृष्णा राधे कृष्णा राधे कृष्णा राधे 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 कृष्णा राधे कृष्णा राधे कृष्णा राधे कृष्णा राधे कृष्णा राधे कृष्णा राधे 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 कृष्णा राधे कृष्णा राधे कृष्णा राधे कृष्णा राधे कृष्णा राधे कृष्णा राधे राधे मुकुट सिर मोर का मुकुट सिर मोर का मेरे चित चोर का मुकुट सिर मोर का मेरे चित चोर का तूने नन 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 तूने नन नन तूने न सरकार कटिले है कटार के तूने न सरकार के कटिले है कटार के तूने न सरकार के कटिले है कटार के तूने न सरकार के कटिले है कटार के बिहारी जी महाराज की जाए तेरे नैनों को देखते कमल जाए तेरे नैनों को देखते भूली घटाए तेरे कजरे की रेखते भूली घटाए तेरे कजरे की रेखते दीवानों ने पुकार के दीवानों ने पुकार के कहा ये पुकार के कहा ये पुकार के तूने नन 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 तूने नन 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 तूने न सरकार कटिले है कटार के तूने न सरकार के कटिले है बिहारी जी महाराज की कुर्बान जाऊं तेरी बाकी अदाओं पे कुर्बान जाऊं तेरी बाकी अदाओं पे पास मेरे आ जा तो है भर लूं मैं बाहों में पास मोरे आ जा तो है भर लूं मैं बाहों में कुर्बान जाऊं तेरी बाकी अदाओं पे जाऊं तेरी बाकी अदाओं पे देखो आप लोगों को मस्ती चढ़ रही है जो नीचे बैठे हैं नहीं मैं समझता हूं कि जो ऊपर हमारे भक्त नाच रहे हैं इनको देखकर पूरी मस्ती चढ़ रही होगी
और वैसे स्टेज बड़ा मजबूत है, कोई कमजोरी नहीं है इसमें, अभी और भी आप समझ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ आनंदपुर बिहारी जी के नाम का कुर्बान जाऊं तेरी बाकी अदाओं कुर्बान जाऊं तेरी बाकी अदाओं पे पास मेरे आ जा तो है भर लूं मैं बाहों में दीवानों ने पुकार के दीवानों ने पुकार के कहा ये पुकार के दोने ना सरकार अच्छा ये बताओ आप में से गाना किस किस को आता है? यहाँ पे कोई है गाना वाला आपको आता है? और कोई है जिसको गाना आता हो? इनको आता है हमें भी। वैसे एक बात कहूँ, आप सबको गाना आता है, नहाते हुए कौन नहीं गाता बोलो? सब नहाते ठंडे ठंडे पानी से नहाना चाहिए, और गाना आए या ना आए तो गा क्यों नहीं रहे हो? मेरे साथ गाओ, चलो इनको गाने देंगे थोड़ी देर, इनको गवाना है हमने, है ना? मुकुट सिर मोर का मेरे चित चोर का मुकुट सिर मोर का मेरे चित चोर का दोने नने नने दोने नने नने दोने न सरकार कटिले है कतार के दोने न सरकार के कटिले है कतार बांके बिहारी लाल की रमण बिहारी नहीं तुलना तुम्हारी रमण बिहारी नहीं तुलना तुम्हारी तुम सा न पहले कोई न होगा या गाड़ी तुम सा न पहले कोई न होगा गाड़ी हम लोग क्या कह रहे हैं ए बांके बिहारी तू हमारे लिए सब कुछ है ना पहले कोई तेरे से बढ़कर ना था ना आगे कोई तेरे से बढ़कर होगा जिनके हृदय की ये बात हो जरा हाथों को उठाना रमण बिहारी नहीं तुलना तुम्हारी रमण बिहारी नहीं तुलना तुम्हारी तुम सा न पहले कोई न होगा या गाड़ी तुम सा न पहले कोई न होगा गाड़ी दीवानों ने विचार के कहा ये पुकार के दीवानों ने विचार के कहा ये पुकार के धुने नने नने दोने न ने न ने न दोने न सरकार के कटिले हैं कटार के दोने न सरकार के कटिले हैं कटार के मुकुट सिर मोर का मेरे चित चोरे
जो भक्त बैठे हैं परिवार तो सब ऊपर आगे मंच पर। बिहारी जी से प्यार करने वाले मुझे थोड़ा सा संकेत हो जाए कौन कौन है, ऐसे झूठे मूठे हाथ मत खड़े किया करो। ऐसा लग रहा है जैसे बिल्कुल चिपक गए सोफे के साथ, हिल भी नहीं पा रहे। प्यार है जिनको, जरा थोड़ा सा मुझे एहसास तो होना चाहिए ना। बिहारी जी को कैसे पता चलेगा, अपने स्थान पर खड़े हो जाओ, चाहे आगे आना है थोड़ा सा आगे आ जाओ, जैसे आपका मन करे। हाँ, श्री राम जी हमारे कुराली से बहुत स्नेही है रमेश जी के, और हमारे साथ भी बहुत स्नेह है। मुकुट सिर मोर का, मुकुट सिर मोर का, मेरे चिते चोर का, चिते चोर का, धोने नने नने धोने नने नने धोने न सरकार, कटिले है कटार के धोने न सरकार के, कटिले है कटार के। और आज मैंने प्रारंभ में कह दिया था कि ये कोई भजन संध्या नहीं, ये संकीर्तन है। मैं जहां भी जाता हूं संकीर्तन करता हूं, और संकीर्तन का अर्थ है जहां सब भगवान का नाम मिलके गाएं, उसमें कोई स्वर की बात नहीं है, कोई संगीत की बात नहीं है, जैसे गाएं सब गाएं। राधे कृष्णा राधे कृष्णा राधे कृष्णा राधे कृष्णा राधे कृष्णा राधे कृष्णा राधे राधे, राधे कृष्णा राधे कृष्णा राधे कृष्णा राधे राधे कृष्णा राधे कृष्णा राधे कृष्णा राधे कृष्णा राधे कृष्णा राधे कृष्णा राधे राधे, राधे कृष्णा राधे कृष्णा राधे कृष्णा राधे कृष्णा राधे कृष्णा राधे कृष्णा राधे राधे। मेरा दिल तो दीवाना हो गया मुरली वाले तेरा, मेरा दिल तो दीवाना हो गया मुरली वाले तेरा, मुरली वाले तेरा, मुरली वाले तेरा, मुरली वाले तेरा, मुरली वाले तेरा। आजकल वृंदावन में मेरे बांके बिहारी जी के फूल बंगले सज रहे हैं, बड़े सुंदर सुंदर फूल बंगले सज रहे हैं। और सच कहूं, मैं कोई प्रशंसा के लिए नहीं कह रहा हूं, सच्ची बात कह रहा हूं, अगर झूठ लगे तो टोक देना, झूठ मैं बोलता नहीं, मैं सत्य बात कहता हूँ। आज विकास जी ने परिवार के सहित जिस भावना से ये स्थान सजाया है, आप देखिए ऐसा लगता है जैसे फूल बंगला ही सजा रखा। और ऐसा फूल बंगला देखो, अभी नजर ऊपर गई तो मेरे को लगा, मैंने कहा क्या बात है, ऐसा कौन करेगा जो बिहारी जी का दीवाना होगा। ओ मेरा दिल तो दीवाना हो गया मुरली वाले थे, दीवाना हो गया मुरली वाले तेरा, मुरली वाले तेरा, मुरली वाले तेरा, मुरली वाले तेरा, मुरली वाले तेरा। नजरों का निशाना हो गया मुरली वाले तेरा, मेरा दिल को दीवाना हो गया मुरली बिहारी लाल की। ए हो हरि बोल। दीवानगी ने क्या क्या सिखाया, 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 दुनिया छोड़ा के तुमसे मिलाया, दुनिया छोड़ा कर तुमसे मिलाया, दुनिया छोड़ा के तुमसे मिलाया, दुनिया छोड़ा के तुमसे मिलाया।
तुमसे मिला क्या नजरे क्या नजरे क्या नजरे मिलाना हो गया मुरली वाले तेरा मेरा दिल तो दीवाना हो गया मुरली वाले तेरा हो मुरली वाले तेरा हो मुरली वाले तेरा कमली वाले तेरा कमली वाले तेरा मेरा दिल तो जय हो मेरा दिल तो दिल तो दीवाना हो गया मुरली वाले तेरा मेरा दिल तो दीवाना हो गया बिहारी जी महाराज की जय हो नजर से नजर मिल गई है जब से नजर मिल गई है उजड़े चमन की कली खिल गई है उजड़े चमन की कली खिल गई है जब से नजर मिल गई है नजर से नजर मिल गई है उजड़े चमन की कली खिल गई है उजड़े चमन की कली खिल गई क्या नजरे नजरे मिलाना हो गया मुरली वाले तेरा दिल तो दीवाना हो गया मुरली वाले तेरा ये पुष्प जो परिवार के द्वारा मंगवाए गए हैं और हम कहीं भी सत्संग करते हैं तो ये पुष्प साधारण फूल नहीं होते ये साक्षात बिहारी जी का स्वरूप होता है और अभी मैं निवेदन करूंगा परिवार से बच्चों से ये पुष्प सब पे वर्षा हो और इसकी एक पंखुड़ी भी यदि आपके ऊपर आती है ये समझना बिहारी जी की साक्षात कृपा बरस रही है लेकिन ये कृपा उन्हीं को मिलेगी जिनके हाथ सीधे खड़े होंगे बिल्कुल सीधे राधे कृष्णा राधे कृष्णा राधे कृष्णा राधे राधे कृष्णा राधे कृष्णा राधे कृष्णा राधे राधे कृष्णा राधे कृष्णा राधे 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 कृष्णा राधे कृष्णा राधे कृष्णा राधे कृष्णा राधे कृष्णा राधे कृष्णा राधे 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 कृष्णा राधे कृष्णा राधे कृष्णा राधे कृष्णा राधे कृष्णा राधे कृष्णा राधे राधे मेरा दिल तो दीवाना हो गया मुरली वाले तेरा मेरा दिल तो दीवाना हो गया मुरली वाले तेरा राधे राधे बोल रे चुंदड़ी नो रोल रे 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 वा जाए ते द्वारे तू आ जाए ते द्वारे कटेंगे दुख सारे कटेंगे दुख सारे तू आ जाए ते द्वारे कटेंगे दुख सारे तू बह जाए ते कोल रे चुकड़ी नूरोल रे कौन हाथ उठा करके
तू चरण च आ जा, तू चरण च आ जा, तू दिल की सुना जा, तू दिल की सुना जा, तू चरण च आ जा, तू दिल की सुना जा, तू वे जय ते कोल वे चिकड़ी नू रोल वे, तू राधे राधे बोल वे चिकड़ी नू रोल वे, राधे 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 राधे। देखिए आपकी आवाज तो हो सकता है मेरे पास नहीं आए, लेकिन आपकी भावनाएं हमारे तक आ जाएंगी, और अगर हमारे तक आपकी भाव आ रहे हैं तो समझिए बिहारी जी के चरणों में समर्पित हो रहे हैं। दोनों हाथ उठा करके एक बार मैं कहूंगा, एक बार आप कहोगे, राधे 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 राधे, प्रेम से बोलो राधे राधे, जोर से बोलो राधे राधे, गाने वाली राधे राधे, वो भानु दुलारी राधे राधे, वो कीर्ति प्यारी राधे राधे, थोड़ा जोर से बोलो राधे राधे, प्यारी प्यारी राधे राधे, गों की प्यारी राधे राधे, गों की प्यारी राधे राधे, राधे 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 राधे, ओ वृंदावन में राधे राधे, ओ नंदगांव में राधे राधे, ओ गोकुल जी में राधे राधे, ओ दान गली में राधे राधे, ओ दान गली में राधे राधे, ओ राधे राधे बोल रे चिंदड़ी नू रोल रे, ओ राधे राधे बोल रे चिंदड़ी नू रोल रे। समय का पता नहीं चलता भगवान के नाम में, सच कहूं मुझे तो पता नहीं चलता, बाकी आपका मैं नहीं जानता। आपको समय पता तो नहीं चला, ये लग रहा था हाय कब टाइम पूरा होगा, कब 9 बजेंगे, शुरू अब हुआ है, मुझे भी ऐसा लगता है, लेकिन जीवन खत्म हुआ, जीने का ढंग आया, और जब शम्मा बुझ गई तो महफिल में रंग आया। कि समा थोड़ा रे गया, 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 क्यों ना पीछे रे गया, क्यों ना पीछे रे गया,
समा थोड़ा रह गया, तू इना पीछे रह गया, तू निंदरा नू खोल रे अज बड़ी नू रोल रे। कोई कीर्तन नहीं, अभी तक तो मैं कह रहा था भजन नहीं, अब मैं कह रहा हूं कीर्तन भी नहीं। ये जो हम गा रहे हैं ये कीर्तन नहीं है, ये मंत्र है। और इस मंत्र को दोनों हाथ उठा करके सबने झूमते हुए ये भाव लेकर कि हम राधा रानी की शरण में हैं और दरबार में राधा रानी के दुख दर्द मिटाए जाते हैं, दुनिया के सताए लोग यहां सीने से लगाए जाते हैं और दुनिया जिनको ठुकरा देती वही गोद बिठाए जाते हैं। राधा रानी की जो शरण में गोद बैठना चाहे बिल्कुल हाथों को उठाओ और झूमो। राधे राधे राधे, 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 राधे 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 राधे, 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 राधे राधे राधे। केवल एक मिनट और, सभी भक्त अपनी आंखों को बंद करो, नेत्रों को बंद कर लो, आंखें बंद और दोनों हाथ सीधे उठा लो। ताली नहीं बजानी, केवल झूमना है और ऐसा अनुभव करो कि आप इस समय वृंदावन में हो और आपके सम्मुख साक्षात वृंदावन ब्रजधाम की रास राशेश्वरी बरसाने वाली विश्वान दुलारी कीर्ति प्यारी राधा रानी आपको आशीर्वाद दे रही है। बिल्कुल हाथ सीधे, जय राधे राधे, 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 राधे राधे।
राधे 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 विश्राम करने से पूर्व राधा रानी का नाम राधे 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 आप कह रहे हो ना राधे, बोलो राधे राधे राधे, कैसा लग रहा है? ऐसा लग रहा है जैसे हम कह रहे हो राधे राधे राधे, कौन सी राह जो कन्हैया से हमें मिला दे। राधे प्रार्थना करेंगे हम सब मिल करके, अपने स्थान पर खड़े रहो, जहां खड़े रहो यही खड़े रहो, और विश्व के कल्याण के लिए प्रार्थना करनी है। लेकिन उससे पूर्व एक अभी बंधु थे, उनकी इच्छा थी कि बोले महाराज जी ये पंक्ति दो गुनगुना देना, तो हालांकि कीर्तन के बाद मुझे याद आया, अब नहीं तो पहले गाता, पर मैंने कहा सुना दे दो पंक्तियां केवल गुनगुना के। कौन सा
किसने सजाया मुरली वाले को, 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 बनड़ा बनाया मुरली वाले को, बनड़ा बनाया मुरली वाले को, बनड़ा समझते हो या नहीं? बनड़ा का अर्थ क्या है? दुल्हा, जो अभी दुल्हे नहीं बने, आशीर्वाद दूंगा दुल्हे बन जाए, लेकिन तभी बनेंगे जब यहां प्रभु के दरबार में आएंगे। आपकी प्रार्थना, आपकी अर्जी तो पहले ही लगा दी मेरे से विभोर ने, लेकिन प्रभु के चरणों में मैं लगा रहा हूं। विभोर जी, इनका ये कार्य सिद्ध हो जाए, प्रभु की कृपा हो जाए, जरा हाथों को खोलना है। बनड़ा बनाया मुरली वाले को, 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 किसने सजाया 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 मुरली वाले को, बनड़ा बनाया 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 मुरली वाले को, माथे लगाया केसर का टीका, माथे लगाया केसर का टीका, चंदा भी लागे उसके आगे फीका फीका, चंदा भी लागे उसके आगे फीका फीका, दुल्हा बनाया मुरली वाले को, दुल्हा बनाया मुरली वाले को, दुल्हा बनाया मुरली वाले को, बनाया मुरली वाले को, बनड़ा बनाया मुरली वाले को, बनड़ा बनाया मुरली वाले को, किसने सजाया मुरली वाले को, सजाया मुरली वाले को, किसने सजाया मुरली वाले को, सजाया मुरली वाले को, बनड़ा बनाया 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 मुरली वाले को, काली मत वाली आंखें लागे प्यारी प्यारी, 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 भक्तों को घायल करे बन के कटारी, भक्तों को घायल करे बन के कटारी, सेहरा सजाया मुरली वाले को, सेहरा सजाया मुरली वाले को, सेहरा सजाया मुरली वाले को, बनड़ा बनाया 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 मुरली वाले को, किसने सजाया मुरली वाले को, किसने सजाया मुरली वाले को, सजाया मुरली वाले को, बनड़ा बनाया 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 मुरली वाले को।
प्रिय हमेश जी की इच्छा है ये भजन बरसाना में राधा रानी के दरबार में बैठकर इस शरीर ने लिखा और लोग बहुत पसंद करते हैं, बहुत आनंद लेते हैं इसका। एक स्थाई एक अंतरा केवल, बस उसके बाद रोक देंगे। राधे 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 राधे। हो कर दो कृपा की को, कर दो कृपा की को, लाडली देख लो मेरी और, लाडली देख लो मेरी और, राधे देख लो मेरी और, राधे देख लो मेरी और। ये भाव ऐसा है अगर यहाँ खड़ा बैठा कोई व्यक्ति इसको गा देगा मेरे से लिखवा लो राधा रानी की कृपा 100% होगी। और सबसे बड़ी कृपा तो ये होगी कि मेरे बिहारी जी तुम्हें अपने धाम में बुलाएंगे, अपना दर्शन कराएंगे, और जब तुम उन्हें अपने घर बुलाओगे तो इस भाव को सुनकर वो तुम्हारे घर भी आ जाएगा। लाडली देख लो मेरी और, देख लो मेरी और, कर दो कृपा की को, कर दो कृपा की को, लाडली देख लो मेरी और, देख लो मेरी और, राधे देख लो मेरी और, राधे देख लो मेरी और। तुम बिन राधे इस नैया को कौन किनारा देगा, तुम बिन राधे इस नैया को कौन किनारा देगा, तेरी कृपा ना होगी तो कौन सहारा देगा, तेरी कृपा ना होगी तो कौन सहारा देगा, कर दो कृपा की को, कर दो कृपा की को, लाडली देख लो मेरी और, राधे देख लो मेरी और, राधे 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 राधे। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। सभी हमारे साथ गाना। हे ईश सब सुखी हो, कोई न हो दुखारी है, ईश सब सुखी हो, कोई न हो दुखारी, सब हो निरोग भगवन, धन धान्य के भंडारी, सब हो निरोग भगवन, धन धान्य के भंडारी, सुखी बसे संसार सब,
दुखिया रहे न को दुखी बसे संसार सब दुखिया रहे न को हम सब की यह प्रार्थना भगवन पूरी हो हम सब की यह प्रार्थना भगवन पूरी हो बाकी झाकी मेरे शाम की बसे हृदय के भी बाकी झाकी मेरे शाम की बसे हृदय के भी जब चाहूं दर्शन करूं झटपट आंखें मीं जब चाहूं दर्शन करूं झटपट आंखें मीं बंसरी वाले सांवरे दो दर्शन एक बार बंसरी वाले सांवरे दो दर्शन एक बार चरण चरण की दीजियो छूटे न तुम्हरो द्वार चरण चरण की दीजियो छूटे न तुम्हरो द्वार मेरे दाता छूटे न तुम्हरो द्वार प्रभु जी छूटे न तुम्हरो सब दोनों हाथ उठा के बोलो दुख हर दुख हर दारिद्र हर दारिद्र हर विपत्ति हर विपत्ति हर कष्ट हर रोग हर सुख कर आनंद कर हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का भारत माता की गंगा मैया की जमुना मैया की गौ माता की गायत्री माता की वेद भगवान की सत्य सनातन धर्म की जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे आज के सुंदर वेला के लिए जैन परिवार के समस्त परिवार जन विकास जी का परिवार पुत्र पौत्र समस्त बाल गोपाल को मैं हृदय से आशीर्वाद देता हूं कि जिस भावना के साथ प्रेम के साथ श्री बिहारी जी और राधा रानी के नाम संकीर्तन का आयोजन इनके द्वारा करवाया गया और सब भक्तों को बुलवा करके ये नाम संकीर्तन और भगवान प्रसाद इन्होंने पवाया है भगवान बिहारी जी और राधा रानी इनके ऊपर अपार अपनी कृपा बनाए और इनके जीवन में सुख समृद्धि हो धन धान्य से ये परिपूर्ण हो खूब इनका व्यापार बढ़े ऐसा मैं इनके लिए साधुवाद आशीर्वाद करता हूँ और उसी के साथ साथ हमारे प्यारे श्री हमेश अग्रवाल जी जो बहुत स्नेह हमारे संग रखते हैं संपूर्ण परिवार तो अग्रवाल परिवार को भी मैं आशीर्वाद देता हूँ सुखी हो समृद्ध हो धन धान्य से परिपूर्ण हो और राधा गोविंद की अपार कृपा इनके जीवन में बनी रहे और बिहारी जी के स्नेह में प्रेम में ये दिन रात गोते लगाते रहे ये मेरा आशीर्वाद समस्त उपस्थित जो भी परिवार के रिश्तेदार जन संबंधी जन आए सबको बहुत बहुत हार्दिक साधुवाद आशीर्वाद विद्यार्थी लभते विद्याम धनार्थी लभते धनम पुत्रार्थी लभते पुत्रान मोक्षार्थी लभते गतिम जिसकी जो भावना होगी इस संकीर्तन के साथ उसकी वो भावना पूरी होगी ये हमारा विश्वास है क्योंकि हम जब भी प्रभु का नाम गाते हैं तो हृदय से गाते हैं और प्रभु का नाम आज यहाँ गाया गया इसी भाव से कि आप सब आए हुए श्रद्धालु ये परिवार खूब सुखी समृद्ध हो जाए आनंद में हो जाए परम कल्याण आशीर्वाद आप सभी के लिए और आज का सत्र यहाँ पर विश्राम हो
Thank you.